हमारे चैनल पर, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी है। राज्यपाल ने कहा है कि संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर ना करें ममता बनर्जी। बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार एक्शन में हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद एक के बाद एक राज्यपाल के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और जाहिर तौर पर उनकी तरफ से अभी भी कोशिश ये की जा रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वहां की जो सरकार है, वो इस हिंसा को लेकर कोई एक्शन ले। ममता बनर्जी को लगातार ये कहा जा रहा है कि इन अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, लेकिन कोई भी एक्शन नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ फूट रहा है। और अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने धमकी भरे लहजे में यह कहा है कि बंगाल सरकार मुझे अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर ना करे। आपको बता दें, लगातार जो दबाव है वो कहीं ना कहीं बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर बढ़ भी रहा है, क्योंकि लोग लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। ममता बनर्जी का ये तानाशाही रवैया खत्म होना चाहिए, ये तानाशाही शासन खत्म होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जल्द से जल्द केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपे और केंद्र सरकार इस पर एक्शन लेते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में करे। यह लगातार दबाव कहीं ना कहीं अब राज्यपाल पर बढ़ चुका है और यही वजह है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो एक के बाद एक तमाम बयान उनके सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हिंसा की जो वानगी है उसे देखने के बाद अब वो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन में है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि संवैधानिक जो उन्हें शक्तियां मिली हुई हैं, इसका इस्तेमाल वो आने वाले वक्त में कर सकते हैं अगर ममता बनर्जी का यही रवैया बंगाल हिंसा को लेकर रहा तो। आपको बता दें, यह पहला ऐसा मौका नहीं है जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ममता बनर्जी को इस तरीके से चेतावनी दी गई हो। विनम्रतापूर्वक निवेदन भी कई बार बंगाल हिंसा को लेकर किया जा चुका है। शुरू में ही 2 मई के बाद से जब से ये हिंसा जारी है, दरअसल तभी से ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक्शन में हैं और सबसे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और साथ ही मुख्य सचिव से बातचीत की थी, उनसे मुलाकात भी उनकी हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल में क्या है, इसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाए। लेकिन ममता बनर्जी सरकार नहीं चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचे और यही वजह है कि ये जो टकराव की स्थिति है, लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, उनकी सरकार आमने सामने नजर आ रही है। लेकिन जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में इस हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है और यही चिंता का विषय इस वक्त पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, वो दरअसल सत्ता का संरक्षण उन्हें प्राप्त है, ऐसे में वो कोई एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे हैं और ये टीएमसी के गुंडे खुलेआम इस तरीके से गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं और यही तमाम चीजें फिलहाल पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के लिए बेहद चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने साफ तौर पर हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद जो ट्वीट किए, उसमें कहीं ना कहीं अपना दर्द बयां किया। उन्होंने ये लिखा कि ममता बनर्जी के इस राज्य में चुनाव रिजल्ट के बाद हिंसा की घटनाएं कल्पना से परे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता पुलिस से डरी हुई है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आम जनता रहम की भीख मांग रही है। मैं बंगाल की मुख्यमंत्री से ये अपील करता हूं कि जनता के दुख, डर और मुश्किलों को खत्म करने की दिशा में कोई सख्त कदम उठाया जाए। ये ट्वीट राज्यपाल की ओर से किया गया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई ट्वीट किए हैं जिसमें असल तस्वीर पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद क्या है उसको बयां किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों में इतना डर है कि वो राज्यपाल से ही ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो धर्म परिवर्तन कर ले जिससे उनकी जान बच जाए। इतना ही नहीं,
लोगों में पुलिस का खौफ इतना ज्यादा है कि वो अपनी शिकायत दर्ज कराने से भी डर रहे हैं, क्योंकि पुलिस थाने पहुंचकर उन्हें खाली हाथ वहां से वापस लौटना पड़ रहा है और टीएमसी के ये जो गुंडे हैं उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। यही वजह है कि वो अपने घरों को छोड़कर अब शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। तो ये असल तस्वीर है पश्चिम बंगाल की, जिसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी पर हर रोज बरसते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे ट्वीट में भी जगदीप धनखड़ की ओर से ये लिखा गया है कि अब बहुत हो चुका है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपको जरूर इस हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। हिंसा करने वालों की पहचान की जाएगी, आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये आश्वासन फिलहाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से उन पीड़ित परिवारों को दिया गया है जो जिनसे उन्होंने मुलाकात की, जिन्होंने राज्यपाल के पैरों में पड़कर इंसाफ की गुहार लगाई। और जाहिर तौर पर तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से आप बीती इन परिवारों ने सुनाई है, और यही कहीं ना कहीं दर्द पीड़ा जो है पीड़ित परिवार की वो सुनकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब लगातार एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी उनके प्रशासन को हर एक चेतावनी अभी तक राज्यपाल की ओर से दी गई है, लेकिन किस तरीके से संवैधानिक पद के सबसे ऊंचे पद का अपमान लगातार ममता बनर्जी कर रही हैं ये भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि राज्यपाल का एक भी बयान जिस पर राज्य सरकार की ओर से ममता बनर्जी की ओर से अमल किया गया हो ये अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा ही नहीं हुई है, पश्चिम बंगाल में जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी ने फैलाई हैं, फेक तस्वीरें हैं, ये तमाम चीजें ममता बनर्जी कह चुकी हैं, हिंसा से ही साफ तौर पर इनकार कर रही हैं, लेकिन राज्यपाल ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के इलाके फिर चाहे वो नंदीग्राम हो, कूचबिहार हो, शीतलकुची हो, ये तमाम उनसे जुड़े दूसरे इलाके हो, वहां हिंसा की बांकी साफ तौर पर देखने को मिलती है। जिस तरीके से घरों को लूटा गया है, आग के हवाले किया गया है, गरीबों के घरों को जलाया गया है, झोपड़ी तक को नहीं बख्शा गया है, तो ये असल तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी को जरूर देखनी चाहिए। तो फिलहाल राज्यपाल जिस तरीके से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद उनके बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि अब आने वाले वक्त में बंगाल में एक बड़ा बदलाव जरूर होगा, क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल से जुड़ी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंपेंगे, और ये मांग भी लोगों की तरफ से बढ़ रही है कि जल्द से जल्द राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो ये रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपे, ताकि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति शासन की जो मांग पश्चिम बंगाल में लगातार तेज हो रही है उसे अमल में लाया जा सके। और यही वजह है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये बयान कि वो संवैधानिक शक्तियां जो उन्हें प्राप्त हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ममता बनर्जी का यही रवैया रहा तो। तो फिलहाल ममता बनर्जी इस पर क्या कहती हैं, क्या कुछ उनका बयान सामने आता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। हर रोज वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और दूसरे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, यही वजह है कि तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो भी अब टीएमसी पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी एमएलए अभिजीत सिंह सांगा का ट्वीट इस हिंसा को लेकर साफ किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ममता दीदी राजधर्म का पालन करें, जिसने वोट नहीं दिया चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो उसकी हत्या और प्रताड़ना बंद की जाए, अगर लड़ना ही है तो कोरोना से लड़ा जाए, उन गरीब मतदाताओं से ना लड़ा जाए जिन्होंने सिर्फ उनका कसूर इतना है कि उन्होंने वोट किया है। तो ये लगातार जो सलाह है ये ममता बनर्जी को दी जा रही है कि इन टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी पर लगाम लगाई जाए, इन्हें सत्ता का संरक्षण ना दिया जाए, ये अपराधी हैं, इन पर कार्रवाई होनी जरूरी है, इन पर कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, ये तमाम मांग लगातार ममता बनर्जी से की जा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी पूरे इस मामले पर सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी का भी एक बयान सामने आया है, जिस तरीके से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल से पलायन करने वाले लोगों से मुलाकात की है, उसको दरअसल रेणुका चौधरी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं उन्होंने लोकतंत्र का अपमान बताया है। तो ये
कांग्रेस है जो घटिया राजनीति लगातार इस हिंसा की आड़ में कर रही है, तो यही कहीं ना कहीं दोगलापन जो है वो कांग्रेस पार्टी का भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसको लेकर ही लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी घिरी हुई हैं और अब राज्यपाल ने सख्त चेतावनी दे दी है कि आने वाले वक्त में वो अपने संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।